हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइज, आज से मैं आप लोगों का ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है, यानी कि आपका साइंस का सब्जेक्ट क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कम्प्लीटली अपने न्यू इंडियन एरा NIE यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ। आज से आप लोगों को कम्प्लीट साइंस 1 साइंस 2 की कम्प्लीट 20 के 20 चैप्टर की वीडियो एकदम धांसू तरीके से मिलने वाली है। मेरे शक्ल पे मत जाना, एक बार कंप्लीट वीडियो जरूर देखना, आपको तब समझेगा कि कितना सॉलिड कंटेंट आपको मिला है। मैं करीबन 4 से 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ और करीबन 70 से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को 90% प्लस मिल चुके हैं। तो आप लोग गाइज अगर मेरे साथ पढ़ते हो तो गारंटीड के साथ कह सकता हूँ कि अगर शिद्दत से मेरे साथ पढ़ोगे तो आपके कसम से कहता हूँ 90% प्लस जरूर साइंस सब्जेक्ट में जाएंगे, और उसके लिए मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा आपकी हेल्प के लिए। सो आप लोग को गाइज बस मेरे साथ पढ़ते रहना है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि आपके सामने एक यहाँ पे कुछ नोट्स जैसा है, मैं आप लोगों को हर चैप्टर की नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 साइंस 1 का ग्रेविटेशन चैप्टर है, आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी पूरी नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। आप देख सकते हो मैंने कितनी प्यारी यहाँ पे एकदम नोट्स बनाई है, ये सारी नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको नोट्स कैसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मेरी इस वीडियो के लिंक में आना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे इसकी PDF पहले से ही डाली हुई है, आप लोग को मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। सो गाइस चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर को। तो गाइस आप सब जानते हो कि हमारे जो बुक है हमारी, वहां पे साइंस 1 और साइंस 2 दो सब्जेक्ट हैं, जहां पे 20 चैप्टर हैं टोटल। साइंस 1 में 10 चैप्टर, साइंस 2 में 10 चैप्टर। जो साइंस 1 है उसका पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, और ये फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है, ये बात को आपको समझना है। साइंस 2 जो है हमारा पूरे 10 चैप्टर वो पूरे बायोलॉजी के अंदर आते हैं, और साइंस 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो आज का जो पहला चैप्टर है इसका नाम है ग्रेविटेशन, और ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो कसम से कहता हूँ जिसको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता होगा एकदम लव हो जाएगा आपको फिजिक्स से, ठीक है। चलिए तो पहला चैप्टर ग्रेविटेशन न्यू इंडियन एरा, चलिए शुरू करते हैं गाइस, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ों से। मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों ने 9th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, कुछ बच्चों ने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं हूँ, तो मेरा नाम है प्रशांत, भूलना नहीं, ठीक है। चलिए सो गाइज ग्रेविटेशन, अब आते हैं शिद्दत से पढ़ाई के मूड में। जो ग्रेविटेशन है ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है? क्या हम सबके इस अर्थ में ग्रेविटेशन अप्लाई होता है, या अर्थ के बाहर भी ग्रेविटेशन अप्लाई होता है? कहाँ कहाँ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन, हम सबसे पहले ये जानेंगे। तो माय डियर, मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेविटेशन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि चल बेटा बता ग्रेविटेशन के डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। मान लो ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, इन दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन किसी फोर्स के वजह से होगा ना। आप किसी चीज को खींचते हो तो क्या जादू से खींच लेते हो? नहीं, किसके वजह से खींचते हो? फोर्स के वजह से खींचते हो। तो अगर दो बॉडियों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके दोनों के बीच में फोर्स होगा कि नहीं होगा? तो ये जो दो बॉडियों के बीच में फोर्स है वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं ग्रेविटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पेन है और हमारे बगल में ये मेरा हाथ है, तो मान लो सपोज दैट ये दोनों ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होगा ना, इन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होगा ना, तो उस फोर्स को कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन दूंगा, टेंशन मत लो, सब लिख के अच्छे से आपको बकायदे तरीके से मिलेगा। तो यार फिर हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, तो हमको बेसिक समझना पड़ेगा ना। तो एग्जैक्टली फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स? तो फोर्स हमारा कुछ और नहीं, एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट विच कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो यहां से दूसरे जगह में चले जाना, यहां से यहां दूसरे जगह में चले जाना, यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट आपको समझ गया होगा कि किसी भी बॉडी की पोजीशन का चेंज होना। एक जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको थोड़ा सा धक्का दिया तो वो उड़ के इधर चला गया, ठीक है, तो यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब बाहर से कोई अप्लाई करता हो, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, और जो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो कॉज करता है इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। समझा डेफिनेशन अच्छे से? यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है, अगर बाहर से तुम इसमें कुछ अप्लाई करोगे तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, तो वो जो बाहर से तुमने अप्लाई किया ना वही है फोर्स। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव, कुछ बाहर से तुमने लगाया शक्ति, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट विच कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके सामने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसमें आपने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या होगा, यहां से चल के यहां पर आ जाएगा। अब जब ये यहां से चल करके यहां पे आ जाएगा तो आप क्या कहोगे कि हाँ, इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना था माय डियर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आगे की तरफ। अब आते हैं, आप बताओ, जब मैं, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इसमें बाहर से क्या करूंगा, मैं इसे बाहर से फोर्स अप्लाई करूंगा, तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जब मैं इसमें यहां पे रखा है और जब मैं इसमें बाहर से फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो आप बताओ इसने मोशन परफॉर्म किया कि नहीं किया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। ये सब बेसिक बता रहा हूं जिससे कि आपको इस चैप्टर में समझने में आसानी हो। तो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन, मोशन क्या है, तो यहां देखो जरा अच्छे से। मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज नथिंग बट मोशन। तो व्हाट इज मोशन, मोशन एक क्या है हमारा, ये एक मूवमेंट है किसी ऑब्जेक्ट का, ये एक मूवमेंट है किसी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रोड में बैठे हो तो रोड में बस जा रही है, जब रोड में से बस आपकी जा रही है तो आप मुझे बताना जरा कि जब बस जा रही तो अगल बगल में जो बिल्डिंग्स हैं, अगल बगल में जो घर है, जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, क्या वो भी भाग रहे हैं, नहीं। तो इसी को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, यानी वहां पे जो हमारी बस जा रही है उसका मूवमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग मूव नहीं कर रही लेकिन वो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऐसे टाइप ऑफ मूवमेंट को हम कहते हैं मोशन। व्हाट इज मोशन, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। समझ गया अच्छे से, इस बात को ध्यान रखना है। समझो मैं मूव कर रहा हूं बट मेरे अगल बगल की चीजें मूव करेंगी क्या, नहीं, तो मैं मोशन कर रहा हूं। समझा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज नथिंग बट मोशन। और व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अप्लाइड ऑन द बॉडी विच कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर आपने इसमें बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अप्लाई किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझा अच्छे से, तो वही एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फोर्स है। तो जब किसी बॉडी में भैया फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी डिस्प्लेस ही होगी ना, और अगर वो बॉडी एक जगह से दूसरे जगह चल के जाएगी तो वो तो मूवमेंट करेगी ही ना। तो मूवमेंट मतलब मोशन, और जो बाहर से इन्फ्लुएंस लगाया वो फोर्स हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया क्या छोटे, समझा ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एग्जैक्टली ग्रेविटेशन की तरफ, कि हमारा ग्रेविटेशन क्या है। ध्यान दो, मैंने अभी आपको बताया कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये दोनों अगर मान लो अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग। ग्रेविटेशन क्या है, एक अट्रैक्शन है टुवर्ड्स समथिंग। समझा, यानी कि ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी या ग्रेविटेशन एक ही बात होती है। जो ग्रेविटी है और ग्रेविटेशन दोनों एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। देखो यहाँ पे समझो कि ये हमारे पास, यहाँ पर समझो मेरे पास ये मोबाइल का कवर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कवर साइड में रख दिया मैंने। ये एक हमारे पास एक मोबाइल का कवर है और ये पेन है। अब मान लो इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, अगर इन दोनों के बीच में ऐसे फोर्स, ऐसे अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन, तो ये दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन है ना, तो विदाउट फोर्स ये अट्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दीज टू बॉडीज, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। समझ में आया क्या छोटे, समझा ना? ओके फाइन माय डियर, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही कहलाता है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।
इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। समझा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही होती है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है दुनिया का। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वाले फोर्स होते हैं, है ना, फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे लाइक सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस के टाइप होते हैं, जिसमें से जो हमारा ये ग्रेविटेशन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दुनिया का वीकेस्ट फोर्स है। और अब मैं बताता हूं कि ये फोर्स का इन्वेंशन कैसे हुआ। एक कहानी छोटी सी सुनाता हूं। एक बार की बात है, क्या हुआ था कि यहां पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे से, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा इस स्टोरी में, कसम से कहता हूं, बहुत ज्यादा आप लोग इंजॉय करोगे, ठीक है, ध्यान देना। एक बार हमारे न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो एक जगह बैठे थे, ऊपर एक ट्री था, ध्यान देना जरा अच्छे से, ऊपर एक ट्री था, तो ट्री से एक एप्पल इनके टकले में गिर जाता है, एक एप्पल इनके टकले में गिर जाता है, तो ये जो न्यूटन थे पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो क्या होता है कि ऊपर से एप्पल टूटता है और इनके टकले के ऊपर गिर जाता है, टकले में, ठीक है। तो टकले में गिरने के बाद क्या होता है, ये क्या सोचते हैं, अरे भाई टकले में गिरा तो चुपचाप खा जाओ ना, आगे दुनिया भर की इतनी बड़ी थियरी देने की क्या जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि OMG ऐसे कैसे हो सकता है, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, अरे भाई चुपचाप खा जाओ एप्पल को, दुनिया भर की थियरी लगाने की क्या जरूरत है। ये सोचने लग गए कि ये एप्पल गिरा तो गिरा ठीक है, बट नीचे ही क्यों गिरा, ये वर्टिकली अपवर्ड क्यों नहीं, ऐसे टूट के पेड़ से ऊपर क्यों नहीं चला गया, किनारे क्यों नहीं चला गया, ये नीचे ही क्यों आया, क्या नीचे कोई शक्ति है, क्या नीचे कोई जादू होता है, नीचे ही क्यों गिरा ये एप्पल। यही क्वेश्चन इनके माइंड में घूमता रहा, ये सोचते रहे कि नीचे ऑब्जेक्ट क्यों गिरा। कुछ दिन बाद सोचने के बाद एक इनको चीजें पता चली, इन्होंने देखा कि दुनिया की सारी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर भी फेंक दें तो भी वो नीचे ही आती है थोड़े टाइम बाद। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर नीचे की तरफ गिरता है तो वो नीचे ही आता है, मतलब अगर ऊपर से तुम छोड़ दोगे किसी चीज को तो वो भी नीचे ही आता है। तो ये सारी चीजों से इनको एक कंक्लूजन मिला यार, कि कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट हो अगर ऊपर फेंकोगे तो नीचे तो आएगा ही, और अगर ऊपर से छोड़ोगे तो भी वो नीचे गिरेगा, ये इनको पता चला। तो इन्होंने सोचा ठीक है, ये तो अर्थ के अंदर हो रहा है, तो जो हमारा अर्थ है, क्या अर्थ के बाहर यानी जो सोलार सिस्टम है, हमारा सन, हमारा मून, जुपिटर, मार्स, हमारा पूरा सोलार सिस्टम, हमारा जो पूरा सोलार सिस्टम है, तो क्या ये हमारे पूरे सोलार सिस्टम में भी अप्लाई होता है? जैसे कि हमारा मून है वो हमारे अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, क्या हमारा जो सन है या अर्थ है, अर्थ सन के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया, इन्होंने देखा कि अर्थ के अंदर तो ठीक है भाई, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे तो आती ही आती है, चाहे तुम हेलीकॉप्टर को फेंक दो, चाहे आप छोटे से एप्पल को फेंक दो या छोटी सी क्रिकेट खेलने वाली बॉल को फेंक दो, ऊपर जाएगा तो नीचे तो आना ही फिक्स है। इन्होंने देखा कि अर्थ के अंदर ऐसा क्या है जो ये किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट कर लेता है, अर्थ के अंदर ऐसा कौन सी शक्ति है, कौन सा बल, कौन सा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने के बाद वो नीचे उसे खींच लेता है, ऐसा क्या है। तब इन्हें इन्वेंट करने को एक चीज मिली, इन्होंने बताया अपनी थियरी की पढ़ाई करने के बाद, इन्होंने बताया कि ये माय डियर, इन्होंने कहा कि दुनिया का एक एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इन्होंने कहा कि ये जो हमारा एप्पल है, ये हमारी जो पेन है, सिर्फ ये इसको अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। जो हमारा अर्थ और मून है तो सिर्फ अर्थ मून को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। सन और अर्थ है तो अर्थ ही सिर्फ सन के तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, अर्थ भी हमारा सन को अट्रैक्ट कर रहा है। दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट, मैं खुद भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, आगे चल के सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है, मैं खुद भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर मैं अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, क्योंकि मैं अर्थ के सामने बहुत छोटा हूं। तो जो जितना बड़ा होगा वो छोटे वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और छोटे वाले का जो फोर्स होगा वो पता भी नहीं चलेगा। समझ गया अच्छे से? यस माय डियर, यानी कि न्यूटन ने कहा कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय सम फोर्स, और वही फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, वही फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, टू बॉडीज. अब अर्थ भी तो एक बॉडी है ना, अर्थ हमारा एक बॉडी है और हम एक हैं, समझा? तो हमारी एक बॉडी और अर्थ की एक बॉडी, तो अर्थ और हमारे बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, समझा? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन. समझा मैंने क्या बोला? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, समझ गया अच्छे से? समझा, दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है. और न्यूटन ने बताया कि अर्थ के पास हमारे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, समझा? चलो ध्यान रखना, और वही फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. आई थिंक माय डियर पूरी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी. आपको पता है सिर्फ अर्थ और ये पेन के बीच का ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, हमारा सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सोलार सिस्टम में, तो वो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस बात को ध्यान देना. हमारा अर्थ और मून, क्योंकि मून भी एक बॉडी है ना और अर्थ भी तो एक बॉडी है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा? वो भी तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहलाएगा ना, क्योंकि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इस बात को आपको ध्यान देना. तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अभी दो बॉडीज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा. तो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सन और अर्थ के बीच में है ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेरे और अर्थ के बीच में है ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब ग्रेविटेशन है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो फिर यार बात करते हैं ग्रेविटी क्या है. अब देखो ये सब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, थोड़ा सा दिमाग, अब थोड़ा ओपन माइंडेड बनो, थोड़ा थिंकिंग करो, इमेजिन करो. ग्रेविटेशन, देखो यहाँ पे ग्रेविटेशन या ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है. ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही बात है, ग्रेविटी ही ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो फिर इसको अलग अलग क्यों समझते पब्लिक? बात एक ही है, फोकट में कंफ्यूजन क्रिएट कर रखते हैं पब्लिक. देखो मैंने क्या बताया, न्यूटन ने क्या कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह अप्लाइड है, ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के हर जगह ऑब्जेक्ट में अप्लाइड है. अगर ये मेरे पास ये कवर है और ये पेन है तो इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ये दोनों एक दूसरे को खींचते क्यों नहीं फिर? क्योंकि ये दोनों अर्थ में है इस वक्त, और अर्थ इन सबसे हजारों करोड़ों गुना बड़ा है, 1000 times more larger है हमारा अर्थ एज कंपेयर टू दीज टू ऑब्जेक्ट्स. तो ये दोनों खुद अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, तो ये दोनों अपने को क्या खींचेंगे? ठीक है, समझा अच्छे से, इस बात को ध्यान देना. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अर्थ के बाहर भी अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आएगा ना, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, चाहे वो कितना भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, चाहे हमारे प्लैनेट ही क्यों ना हो, लाइक हमारे अर्थ, मून, जुपिटर, मार्स, ये सब हमारे सन की तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि सन सबसे बड़ा है, सन सबको खींच सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पावर है, जो जितना बड़ा होगा वो छोटे वाले को खींच लेता है, आगे बताऊंगा. ठीक है, तो दुनिया की सारी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचती है, सब. अर्थ हमारा मून को खींचा है, तभी तो मून उसके अगल बगल रिवॉल्व करता है, इस बात को ध्यान देना. चलिए अब एक बात बताता हूं कि ग्रेविटी क्या है. देखो भाई, अर्थ के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता है तो वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना. तो ऐसे ही साइंटिस्टों ने क्या किया, उसको नाम ग्रेविटेशनल फोर्स ना कह के ग्रेविटी कहने लग गए. तो अर्थ के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा ये और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट अर्थ के अंदर वालों को ग्रेविटी कहते हैं, बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है. और अर्थ के बाहर अगर कुछ भी ऐसा अट्रैक्शन होगा तो उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, समझा, एक ही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही ग्रेविटी है, ग्रेविटी ही ग्रेविटेशनल फोर्स है. बस अगर अर्थ के अंदर कोई ऐसा अट्रैक्शन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, नाम से पुकारते हैं ग्रेविटी, नाम से उसे बुलाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बड़ा लगता है ना कह के ग्रेविटी कह देते हैं. तो बात तो एक ही है ना कि इट इज एग्जैक्टली ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा ना, बट अर्थ का जो रहेगा ना वो अर्थ वाला है, इसलिए उसका नाम ग्रेविटी दे दिया, चलो इसको ग्रेविटी कहेंगे आज से, ऐसा कह दिया गया है. समझ गया अच्छे से, बाकी कुछ नहीं है, सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो अब आते हैं कंक्लूजन में, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नथिंग बट ग्रेविटेशन,
ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। समझा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नथिंग बट ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो अर्थ भी एक बॉडी हो गई और ये भी बॉडी हो गई, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट अर्थ की बात जब आएगी तो हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ना कह के ग्रेविटी कहते हैं, बाकी काम तो वही है। ठीक है, तो ध्यान देना चाहिए। तो ग्रेविटी जो होती है हमारी अर्थ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होती है। किसके बीच में? अर्थ के बीच में और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में। और अगर अर्थ के अलावा कुछ और होगा ना तो उसको ग्रेविटी नहीं कहेंगे हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी तो आपको समझ गया ना कि एक ही है, होना तो अट्रैक्शन ही है, बट अर्थ के साथ और किसी ऑब्जेक्ट के साथ हुआ तो ग्रेविटी, और अगर वही चीज किसी और दूसरे के साथ हुआ एक्सेप्ट अर्थ, अर्थ को छोड़ के, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गाइज अभी आप लोगों को सब कुछ समझ चुका है कि एग्जैक्टली व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी एक ही बात है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यानी कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर उन दो बॉडियों में से एक अर्थ हो गया और एक कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा, तो फिर ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, अर्थ भी तो एक बॉडी है ना, तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे हमारा ग्रेविटी, यानी कि है ग्रेविटेशनल फोर्स ही, उसका नाम बदल गया ग्रेविटी। चलो अब हम आगे निकलते हैं यहाँ पे, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, अब हम आते हैं मोशन की तरफ। देखो ये आपके बुक में दिया नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। जैसे शुरू शुरू में फोर्स और मोशन का कुछ नहीं है, आपको नहीं याद रहेगा तो भी चलता है, आप सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स से समझना शुरू कर देना। ठीक है, तो वैसे फिर भी मैं आपको यहाँ पे मोशन के बारे में थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इतना डीप में तो आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला, मैं पहले ही कह देता हूँ, चाहे आप सर्च कर लो, किधर भी जाओ सर्च कर लो, आपको वीडियोस तो हजार मिलेंगे, लेकिन सर्च करके एक बार देख लो, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा। आप लोग का 11th और 12th का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड कर रहा हूँ, जिससे कि आप 11th 12th का भी सॉल्व कर सको सारे क्वेश्चंस। ऐसा जिस दिन आप बनोगे ना, कसम से कहता हूँ आप टॉपर बन जाओगे, साइंस में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, और प्यार करने लगोगे आप साइंस से। ठीक है, तो मोशन एग्जैक्टली क्या है, हमने 9th में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन में। मोशन बेसिकली होता तो बहुत सारे टाइप का है, बट मैं आपको तीन टाइप बताऊंगा जो कि आपको याद नहीं रखने हैं, एग्जाम में ये सब कुछ नहीं आएगा। तो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें से लीनियर और ऑसिलेटरी से आपको कोई मतलब नहीं है 10th के सिलेबस में। सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, अब मोशन पढ़ा रहा हूं तो इसलिए आपको सिखा दिया एंड नथिंग, मेरा सिखाना काम है, मैं तो सब कुछ सिखाऊंगा ना। ठीक है, तो मोशन जो है ये क्या है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। हमने अभी अभी देखा भी था, ये देखो यहां पे, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज नथिंग बट मोशन, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अब लीनियर मोशन क्या है, लीनियर मतलब होता है सीधा, यानी कि देखो ये मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ना, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे मूव करूं, फोर्स लगाऊंगा बाहर, तो ये सीधा सीधा ऐसे मूव करेगा, सीधा मूव करेगा, तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब लाइन में मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये लीनियर मोशन कहलाएगा। चलो दूसरा बात करता हूं, अब आते हैं ऑसिलेटरी, मतलब देखो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, आप समझ सकते हो, यहां पे देख लो अच्छे से, ये सरफेस है और यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें अगर मैं यहां से फोर्स लगाया तो ये सीधा मूव करेगा। तो यानी कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, जैसे कि हमारी रोड में बस चलती है, है ना, रोडों में हमारी बसें चलती हैं, बाइक चलाते हो आप, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, तो ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं, समझ गया। चलिए अब आते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा सर्कुलर मोशन तो हमारे टॉपिक में, इसको पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आते हैं ऑसिलेटरी मोशन में जो हमारे टॉपिक में नहीं है, बट स्टिल मुझे आपको बताना है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे मूव करूं, ऐसे 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 से अगर इस पेन को मैं ऐसे से मूव करूं, टन 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 नन 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 नन, ऐसे से मूव करूं, तो क्या होगा, ये ऑसिलेटरी मोशन है, यानी कि एक बार ऑब्जेक्ट इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर ऐसे, यानी कि एक बार ऑब्जेक्ट इधर आता है, फिर बीच में आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे ऐसे, समझा, ये ऑसिलेटरी मोशन है, यानी कि ये एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है, मतलब बार बार आने जाने वाला है ना, ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। आप इसको 12th में डीप में पढ़ोगे, डोंट वरी, इतना मत टेंशन, मतलब छोड़ दो, एग्जाम में ऐसे ये सब कुछ आपके सिलेबस में है भी नहीं, बट मुझे बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर में वॉच लगी होती है, वॉल वाली वॉच,
वहां पे वो ऐसे ऐसे पेंडुलम घूमता है ना, वो पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है, ऑसिलेटरी मोशन जिसे ऑसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन करता है, ये बात आपको ध्यान देनी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक बार इधर आता है, फिर इधर से हमारा इधर जाता है, फिर वापस से इधर आता है, फिर इधर से इधर जाता है, फिर वापस से ऐसे 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 घूमते रहता है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब आते हैं सर्कुलर मोशन में, अब हम डीपली सर्कुलर मोशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। जरा ध्यान से समझना, अभी चीजों को ध्यान से समझ के लेना, सुनो ध्यान से। अगर मान लो मैं आपको कहूं कि एक रस्सी पकड़ो, एक स्ट्रिंग पकड़ो और उसमें एक पत्थर को बांध दो और उसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दो, ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दो, तो वो जो पत्थर बंधा हुआ है उसके अगल बगल, उसके अगल बगल जो पत्थर बंधा हुआ है, वो जो घुमा रहे हो आप उसको ऐसे बंधा हुआ है, वो क्या कर रहा है? अब जरा यहाँ पे समझना, मैं आपको चीजों को समझा के एकदम अच्छे से देता हूँ, जरा ध्यान दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से सुनोगे तो ही आप लोग को समझेगा, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे ही नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान दो, अगर मान लो मेरे पास ये हमारा एक पत्थर है, ठीक है, हमारे पास ये एक, समझो ऐसे ही इमेजिन करो कि हमारे पास यहाँ पे ये एक पत्थर है और इसको हमने रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया। अब जरा मुझे आप बताना कि ये पत्थर इस रास्ते में ऐसे घूम रहा है और ये इसका सेंटर है, मतलब ऐसे से घूम रहा है, तो यानी कि ध्यान दो अच्छे से, किसी ऑब्जेक्ट का, अच्छा ये सर्कल बन गया ना, सर्कल का इसका नाम क्या होता है, ये सर्कमफेरेंस है, सर्कल का ये हमारा सर्कमफेरेंस है और ये हमारा जो ओ है वो सेंटर है, नहीं क्या बीच में सेंटर रहता है, और अगल बगल वाले को ज्योमेट्री में पढ़ा नहीं क्या, बाहर वाले को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं, मराठी मध्ये याला परिधि म्हणतात, काय म्हणतात याला, परिधि म्हणतात, ओके। तो ये जो अगल बगल का है ना इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं और जो बीच में है ये सेंटर है, सेंटर है, समझ गया अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। तो सेंटर के अगल बगल हमारा जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है अलोंग विद दी, किसके अलोंग, अलोंग विद जी हमारा यहाँ पे दिया, अलोंग विद जो हमारा यहाँ पे है, अलोंग विद इस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अलोंग विद सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो सर्कमफेरेंस है ना उसी के अलोंग, यानी एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है, इसी को कहते हैं सर्कुलर मोशन। प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं फिर आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे, ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप लोग घुमाते हो तो आप ही बताओ वो सर्कमफेरेंस में ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा। जैसे कि हमारा देखो अर्थ है और बीच में सन है, तो बीच में हमारा सन है और उसके अगल बगल हमारा अर्थ घूम रहा है, अगल बगल अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ जहां अगल बगल ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो वो अर्थ का जो रास्ता है वो सर्कमफेरेंस होगा ना, और इस सेंटर में हमारा अर्थ है, यानी कि इसके अगल बगल हमारा अर्थ घूम रहा है, वो जो अर्थ जहां घूम रहा है वो सर्कमफेरेंस है। यानी कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मेरा हाथ समझो, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग यानी साथ में होता रहे, ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि कोई बीच में एक सेंटर हो और उसके अगल बगल एक छोटा सा पत्थर उसके अगल बगल ऐसे ऐसे घूम रहा हो, ऐसे ऐसे घूम रहा हो, तो वो जो घूम रहा है वो रास्ता जो है वो पाथ वो हमारा गोल गोल रहेगा ना, वो सर्कल के जैसा रहेगा ना, यानी सर्कमफेरेंस उसे कहेंगे। तो द मोशन, मेरे साथ रिपीट करो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ साथ जिस ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, ऐसे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझा अच्छे से, यानी कि ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऐसे मूव कर रहा है, देखो बन गया ना सर्कल, और सर्कल के इसी चीज को तो हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो हमारा याद रखो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग हो, सर्कमफेरेंस मतलब वो गोल गोल जो चीज है, ये जो पूरा हमारा ये सर्कमफेरेंस है, ये पूरा सर्कमफेरेंस है, तो इस सर्कमफेरेंस के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव करे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो आई थिंक आपको समझ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, जरा ध्यान दो अच्छे से, कि अगर सपोज दैट आप कहते हो कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब ध्यान देना, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इस तरीके से सर्कमफेरेंस के अलोंग घूम रहा है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है
वो सर्कमफेरेंस के अलोंग। अब देखो ये जो हमारा रेड रेड ये है पूरा सर्कमफेरेंस है, सर्कल का सेंटर है और सर्कल के सेंटर के अगल बगल वो सर्कमफेरेंस है। अब आपने ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा क्या कि रेडियस सर्कमफेरेंस एंड ये सब क्या होता है? तो कोई ऑब्जेक्ट कैसे जाता है सर्कमफेरेंस के साथ साथ ऐसे ऐसे घूमता है, तो ऐसे मोशन को तो सर्कुलर मोशन कहते हैं। बट आप ही बताओ जरा कि क्या ये ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के घूमता होगा? नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ तो फोर्स बाहर से अप्लाई किया जाता होगा, कहीं ना कहीं से इसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई किया जाता होगा ना। हाँ, क्योंकि बिना फोर्स के तो मोशन नहीं होता। अभी अभी हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हिलाना भी है तो उसमें फोर्स तो लगाना ही पड़ता है, बिना फोर्स के कुछ अप्लाई नहीं, कुछ भी चीजें नहीं हो सकती। तो अगर ये ऑब्जेक्ट भी सर्कमफेरेंस के अलोंग सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा ना। तो माय डियर, जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स, अच्छा अब आपको बता दूं कि जो फोर्स है तो आपको पता भी है कि फोर्स का डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है फोर्स का? फोर्स का हमारे डायरेक्शन भी होता है, फोर्स का हमारे डायरेक्शन भी होता है। फोर्स बिना डायरेक्शन के नहीं होता, फोर्स को डायरेक्शन होता है प्रॉपर वाला। तो फोर्स अगर हम इस ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो आपको बताता हूं, ध्यान में रखो, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। देखो यहां पे, तो अब जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट में ऐसे फोर्स लगाओ कि ये फोर्स का डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स होता है, ये सेंटर है, सेंटर के टुवर्ड्स हमारे फोर्स का यहां पे डायरेक्शन होता है। तो याद रहे, ध्यान देना, बहुत आसान है, समझ गया आपको, सुनो ध्यान से। पहली बात, हमारा एक ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस में ऐसे ऐसे मूव करता है, समझा अच्छे से, यानी कि जो सर्कमफेरेंस है इसमें ऐसे ऐसे ये मूव करेगा, ये सर्कमफेरेंस में, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये सर्कमफेरेंस में ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। अब जब सर्कमफेरेंस में मूव करता है, मोशन करता है, तो यही मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, यानी कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन। याद हो गया है आपको? मैं यहीं पे सब आपको याद करवा दूंगा, आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारे डेफिनेशन। फिर अब आप ही बताओ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन कराना है, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो या कोई भी मोशन हो, तो बाहर से फोर्स तो देना पड़ता है ना। तो यहां पर भी फोर्स देंगे, तो यहां पर जब हमने फोर्स दिया तो ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये फोर्स का डायरेक्शन हमारे सेंटर के टुवर्ड्स होगा। ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स होगा, और इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? द, अब ध्यान देना, मैं उसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, यहां पे देखो और आपको सब समझ जाएगा। देखो यहां पे, देखो क्या है, देखो यहां से समझना अच्छे से। यहां द मोशन, देखो यहां पे, द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन और रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और रिवॉल्विंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो ये सेंटर है और इसके अगल बगल ये हमारा ऑलरेडी घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज डूइंग सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है अभी। बट ये घूमने के लिए इसमें हमने कुछ तो फोर्स लगाया होगा ना इसमें, समझा? ध्यान दो अच्छे से। तो द फोर्स, अब देखो मैं मुंह से बोलता हूं, आप इमेजिन करना, एक झटके में समझ जाएगा, ऐसे समझ जाएगा। द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस कवर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट, हम सब ऑब्जेक्ट हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अलोंग, देखो यहां पे, द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अलोंग विद द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल and that force is directed towards the center, then this force is nothing but centripetal force. Repeat करता हूँ again. एक object है जो already ऐसे ऐसे घूम रहा है along the circumference of the circle. तो ध्यान दो क्या होता है, तो a force applied on the object, यानी कि इसमें force apply किया हमने, ये जो हमारा इसमें हमने force apply किया, तो the force applied on the object, इसमें the force applied on the object revolving along the circumference of the circle, revolving along the circumference of the circle and that force is directed towards the center of the circle, then that force is nothing but centripetal force. Simple सी हिंदी में बोलता हूँ, एक ऐसा force जो एक ऐसे object में apply किया जा रहा हो, जो object already circumference के along घूमता हो, और वो जो force apply किया है वो फोर्स का डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स हो,
तो ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सिंपल तरीके से समझाया है, सिंपल तरीके से। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो इसकी डेफिनेशन। ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग, ए फोर्स एक्टिंग या अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे जरा आप लोग ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझ जाएगा आप सभी लोगों को। यहाँ पे फोकस करना कि मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें हम कोई तो फोर्स अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से सर्कमफेरेंस के अलोंग अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये सर्कमफेरेंस है गोल गोल, तो अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा घूम रहा है सर्कमफेरेंस के अलोंग, तो अगर इसमें कोई फोर्स अप्लाई होगा तभी ना ये घूमेगा। तो वो जो फोर्स है वही है सेंट्रिपिटल फोर्स, और इस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो सेंटर के टुवर्ड्स होता है। यानी कि जो फोर्स हमारा किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाइड होता है और वो फोर्स हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स है, वो सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होता है। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो सेंटर सीकिंग, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। सेंट्री मतलब सेंट्रल, यानी कि जो सेंटर है बीच में, और पेटल मतलब उसकी तरफ, पेटल मतलब किसी की तरफ, तो सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, समझा। एक ऐसा फोर्स जो सेंटर के तरफ अट्रैक्टेड हो, किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया जा रहा हो और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा हो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में, और उसी ऑब्जेक्ट में जब हम कोई फोर्स को लगाते हैं और वो फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे दुनिया में जो हमारा अर्थ है और सन है, तो सन एक जगह पे फिक्स रहता है, सन कभी रिवॉल्व नहीं करता। तो उसके अगल बगल जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ हमारे सन के अगल बगल घूमता है। अर्थ क्या करता है, हमारे सन के अगल बगल घूमता है। तो अर्थ में भी कोई ना कोई फोर्स खींचा अट्रैक्टेड होगा ना, और यही तो रीजन है कि अर्थ हमारे सन को छोड़ के भाग नहीं जाता। अच्छा आप बताओ, हमारा जो मून है, हमारा देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा अच्छे से, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने का है तुमको, ठीक है। देखो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ध्यान देना, और इसके बगल में ये हमारा मून है, मून। अब मून क्या करता है, ये इसके अगल बगल ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है, अर्थ के अगल बगल ये रिवॉल्व करता है। तो जरा आप बताओ, अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बताने का है, ये जो मून है हमारा, ये जो मून है और ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, तो ये जो मून है ये अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है, क्योंकि हमारा जो मून है वो अर्थ के अगल बगल घूम रहा है। तो जरा आप बताना मुझे कि ये अर्थ के अगल बगल घूम रहा है, यानी कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है मून, यानी कि मून जो है एक सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और आप बताना जरा अभी कि ये जो मून है ये अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड भी होगा ना, क्यों, क्योंकि जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा ना, तो वो फोर्स कोई और नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा यहाँ पे रहेगा, और वो फोर्स अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स द अर्थ। और यही रीजन है कि हमारा जो मून है वो अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थ उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रखा है, और वो जो फोर्स है वो हमारे अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स है। बाहर की तरफ है क्या, नहीं, सेंटर के टुवर्ड्स है, अंदर की तरफ है। और यही रीजन है कि मून हमेशा अर्थ के तरफ ही अट्रैक्टेड है, समझा अच्छे से, इस बात को आपको ध्यान देना है। यानी कि जो मून है वो हमारा अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है, समझा, और अर्थ हमारा उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो मून है वो अर्थ के अगल बगल घूमता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि यानी कि मून इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, समझा। और जो फोर्स अप्लाई करते हैं उस मून में, वो जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। तो अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स, किसकी तरफ, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स ये मून में अप्लाई होने वाला फोर्स अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है, टुवर्ड्स डायरेक्टेड, उधर डायरेक्टेड है, और हमारा जो मून है इसीलिए अर्थ के अगल बगल घूमते रहता है और कभी मून को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि जो फोर्स मून में अप्लाई हो रहा है वो सेंटर के टुवर्ड्स है, तो कैसे उसको छोड़ के बाहर जा सकता है, समझा। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक रस्सी उठा लो और रस्सी में तुमने एक स्ट्रिंग यानी रस्सी, उसमें तुम पत्थर बांध दो और उसको ऐसे घुमाना शुरू करो। जब घुमाओगे तो आपका वो पत्थर रस्सी को छोड़ के जाता है क्या, नहीं, लेकिन जब आप उसको घुमाते हो तो वो जो पत्थर है वो आपके अलोंग ही घूमते रहता है, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहता है, लेकिन वो कभी रस्सी को छोड़ के नहीं जाता।
इसका मतलब क्या है कि वो जो स्टोन है वो डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड है टुवर्ड्स सेंटर, और वो ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहता है। तो एक बात ध्यान देना कि दुनिया में जितने भी प्लैनेट हैं, चाहे वो अर्थ रहे, चाहे वो मून रहे, चाहे वो सन, सन तो घूमता ही नहीं है, जुपिटर, मार्स, कोई भी वेनस, कोई भी प्लैनेट हो, जितने भी प्लैनेट हमारे सन के अराउंड घूमते हैं, इन सभी में सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाइड है। सन इन सब में सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई कर रखा है और सन इनको अपनी तरफ खींच लेता है। समझ गया अच्छे से? इस बात को आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको आपको समझ के रखना है माय डियर। तो आज के लिए आई थिंक सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना चाहिए। अच्छा, आपको अगर फॉर्मूला याद करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कैसे फॉर्मूला आया? देखो यहाँ पे, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आप अच्छे से देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग घूम रहा है, तो और सेंटर के टूवर्ड्स डायरेक्टेड है, तो सेंटर का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है? और जो ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और जब ये घूम रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसकी वेलोसिटी भी होगी ना। जो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो क्या जीरो वेलोसिटी से घूमेगा? इसकी स्पीड कुछ नहीं होगी क्या? ऐसे तो नहीं होता ना, अगर कोई चलता है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होती है। तो ये ऑब्जेक्ट जब चलेगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यानी वी वेलोसिटी भी होगी इसकी। इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, और ये सेंटर के टूवर्ड्स घूम रहा है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। तो इन तीनों को मिला के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व कर रहा है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है सर्कमफेरेंस के साथ में, और रेडियस, रेडियस जो हमारा सर्कमफेरेंस है सर्कल का, उसके सेंटर से और सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, यानी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस ही रेडियस कहलाता है। तो चलो, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, तो ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफेरेंस और रिवॉल्विंग अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज नथिंग बट सेंट्रीपेटल फोर्स। इतना तो समझ गया, सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा सेंटर की टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होता है, सेंटर सीकिंग, और इसका फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो माय डियर, आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे केपलर्स लॉ के बारे में और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को आप सभी अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो, सबको फैला दो, एकदम आग की तरह फैला दो इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कि कैसा मैंने पढ़ाया, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि ये वीडियो कैसा था। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को, न्यू इंडियन एरा को, और मेरा नाम है प्रशांत। चलिए, बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू।